तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं बिहार स्टेट जो 29 मई को होने वाली परीक्षा है उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर। तीसरे मॉडल पेपर का 1 से 50 तक क्वेश्चन हो गया है व्याख्या सहित, और उसके आगे 51 से 100 तक आज हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए। देखिए इसमें 51वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि मन्ने संकेत ध्रुवम इत्यादि नाम प्रयोगः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो इसका एक श्लोक है, मन्ने संकेत ध्रुवम प्रायः नूनम इत्यादि नाम करके एक श्लोक है इसका। तो ये पूछा है कि ये जो वर्ड जब जहाँ आते हैं, जहाँ जिस श्लोक में प्रयोग किया जाता है, मन्ने संकेत ध्रुवम प्रायः एक ये भी और नूनम आदि, ये शब्द जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। ऐसा कहाँ कहा गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, फिर आगे इसके देखिए ये सब की व्याख्या अभी आगे वाले आने वाले और भी उसमें प्रश्न में है, उसी में कर देंगे इसकी व्याख्या। देखते रहिए अगला है, अगला है कि उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने में अलंकार होता है। मतलब उपमेय को असत्य सिद्ध करना है, फिर उपमान को सत्य सिद्ध करना है, तो ऐसा कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा मंकेश भैया? अपनुहित। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? अपनुहित। तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? डी वाला। आगे देखिएगा 53 नंबर पे यहाँ पूछा है कि लौकिक छंदा भवत, लौकिक छंद होता है। तो लौकिक छंद कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले तो छंद कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वैदिक हो जाएगा और दूसरा लौकिक। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? वैदिक, और दूसरा क्या है? लौकिक। अब इसी फिर लौकिक का पूछा है कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा वर्णिक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? मात्रिक। यही वो पूछना चाह रहा है कि ये जो लौकिक छंद होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, वर्णिक और जिसमें वर्णों को गिना जाता है, और दूसरा मात्रिक जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी वाला, द्विविधम। अगला देखिए 54 नंबर पे पूछा है कि अनुष्टुप छंदस एकस्मिन पादे अक्षराणि भवन्ति। मतलब अनुष्टुप छंद में एक पाद में, अर्थात एक चरण में, चार चरण होते हैं, तो एक चरण में पूछ रहा है कि कितने अक्षर होते हैं। तो एक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों चरण मिला के कितने हो जाएंगे? तो 8 × 4 कितने हो गए? 32। 55 नंबर पे देखिए कौन सा है, यहाँ भी पूछा है कि अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, टोटल पूछ लिया है। वहाँ पूछा था कि एक चरण में कितना मतलब वर्ण होता है, अक्षर होता है, इसमें पूछ लिया है कि टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो कितना हो जाएगा? 32। आगे देखिए इसमें दिया है, यहाँ पूछा है कि कस्या, इसमें पूछा ये जो रुद्र शब्द आया हुआ है, ये शिखरणी छंद है, ये उसका क्या है? ये परिभाषा है, शिखरणी छंद का क्या है? परिभाषा है। तो इसको गा सकते हैं भैया, आप लोग अगर गाना चाहें तो कैसे इसको गाएंगे? रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागह शिखरिणी। तो इसमें जो ये रस है ये कितने हैं? 6 रस हैं, और जो ये रुद्र है ये कितने हैं? 11। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
वाला वही पूछा है कि ये जो रुद्र शब्द यहाँ दिया हुआ परिभाषा में, तो रुद्र पद से कौन सी संख्या बोध हो रही है? तो 11 है। सूर्य कितने होते हैं? सूर्य सूर्य पंडित जी अश्व सात, सूर्य 12। ध्यान भंग है आपका ना अब्बा, कंसंट्रेशन होके बैठिए यहाँ पे। पंडित जी ऐसे बताएंगे गलत उत्तर, आगे से देखते हैं। फिर दिया है कि झलाम जशो अन्ते इति सूत्रस्य समीचीनम उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पे पूछा है कि झलाम जसो अन्ते, ये जो सूत्र है इसका मतलब अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो झलाम जसो अन्ते में क्या होता है कि झल एक क्या है? प्रत्याहार है, ठीक है। फिर झल के अंतर्गत इसमें आप देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसको देख लेंगे। फिर इसी झल के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? जस। जस में कितने वर्ण आ जाएंगे? पांच, ज ब ग ग ड द, कितने हो गए? पांच हो गए। तो इसमें यही कह रहा है कि झलाम जसोऽन्ते सूत्र से कौन सा इसमें अच्छा उदाहरण है। तो इसमें देख लीजिए, जो आप अंतः बना है ये कैसे बना है? आप प्लस, तो देखिए ये जो आपका कुचुटु तुपु पांच वर्ग हैं, उदित वर्ग कह लीजिए या क वर्ग है, पा ऐसे बोलते हैं ना, उदित बोलते हैं। तो उसको देखिए, ये जो पा है ये किस में आ जाएगा, किस प्रत्याहार में आ जाएगा? झल वाले में। किस में आ जाएगा? झल वाले में। फिर वही पूछा है कि ये पा को क्या आदेश हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा। तो जस में से तीसरा अक्षर इसमें कौन सा हो जाएगा इसका, पा वाले का? तो प फ ब, ये वाला अक्षर ब वाला, यही आदेश होगा। तो आप प्लस अंतः बराबर यहाँ मिला करके क्या हो जाएगा? आप अंतः। यहाँ देखिए जो वाकिस है ये सही नहीं है, ये भी इसी का उदाहरण बन जाता। कैसे? कि इसी का को क्या हो जाता? गा हो जाता, इसी सूत्र से झलाम जसोन्ते से, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाता? वागीस है, ऐसा हो जाता तब सही हो जाता, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आगे यहाँ दिया है उत्थानम, क्या दिया है? उत्थानम एक सूत्र है, उदय स्था स्तंभो करके एक सूत्र है, वो उसका, हाँ उसका उदाहरण है। और ये जो चिन्मया है, तो ये प्रत्यय भाषायाम नित्यम एक वार्तिक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम एक वार्तिक है। तो वहाँ पे ये ऐसे जब तोड़ेंगे इसको, तो चित प्लस, तो ये मयम क्या है? एक ये प्रत्यय है, मयट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय है ये। तो ये ता को ही क्या हो गया इसी में? नित्य जो है अनुनासिक हो गया है, ठीक है। नित्य क्या हो गया है? अनुनासिक। तो इसी ता को क्या हो गया है? ना यहाँ हो गया, तो क्या बन गया है? चिन्मय है। आगे देखिए, इसमें पूछा है भावुकः पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। मतलब भावुकः ये किस संधि का उदाहरण है? अयादि का। तो पूछा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? भाव प्लस। तो एक इसका सूत्र है, एवा एचो एवा यावा। तो एच क्या है? एक प्रत्याहार है, क्या है? इसी में क्या आता है? ए ओ आई औ। अब इसी के एच के स्थान पर ये क्या आदेश होता है? क्रमशः जब आदेश होता तो क्या हो जाता है? आया तो यहाँ पे क्या है? भाव प्लस उक है, भाव प्लस
उका है, तो इसी अव को क्या आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाव। बाकी यहाँ उका है तो कौन सा मात्रा है, छोटा उ वाला, क्या हो जाएगा भावुक, तो वही बना है, क्या बना है भावुक है। वैसे अगर पूछेगा ये सूत्र दे दे संवेदी भैया, अगर ये सूत्र दे दे वहाँ एग्जाम में, तो इसी में पूछ ले कि कौन सी संधि होगी, तो वाह पंडित जी, अरे उसमें पूर्व रूप दिख रहा है सूत्र में, देखे पूछ ले यहाँ अग्र दिख रहा है ना, पूर्व रूप संधि हो जाएगी सूत्र में। पंडित जी आप हम आयादी पढ़ा रहे हैं तो आप आयादी ठोक देंगे उसी में, ऐसे ही करेंगे। यहाँ गलत हो जाए ठीक है, वहाँ नहीं गलत होना चाहिए। आगे देखिए, आगे दिया है रामो जयति इत्यस्य शुद्ध संधि विच्छेद कह, तो ये रामो जयति क्या है, क्या हो जाएगा इसका, राम जयति हो जाएगा। इसमें पूछा है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो एक सूत्र आता है वो तो संधि वो करती है ना, हसीच क्या आता है हसीच, तो यहाँ सर सर पहले यहाँ बनाएंगे ना, ऐसे बनाते जब चले जाते हैं हम लोग, रामस प्लस जयति ऐसे शॉर्टकट में, जान लीजिए कि इसको फिर क्या करते हैं हम लोग, रू करते हैं, फिर र करते हैं ऐसे, फिर रा को क्या आदेश, इसी सूत्र से हसीच से ही रा को क्या आदेश होता है ऊ, तो जब यहाँ लास्ट में हम लोग बनाते हैं ना, राम ऊ प्लस जयति, तो इसमें क्या है रस आ है और ये ऊ है, ठीक है, और इसका वर्ण फिर इधर हस प्रत्याहार का क्या है वर्ण है, तो ये आ ऊ क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, है ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा राम हो जाएगा और फिर जयत, तो कौन सा इसमें सही है, राम प्लस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा पंडित जी, ये अलग से फिर से बताना पड़ेगा, चलिए अलग से एक बार बता देंगे आपको फिर से। इसमें पूछा है कि हरि एतो इत्यस्य संधि रूपम अस्ति, हरि एतो इत्यस्य संधि रूपम अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सा ये वाला सी वाला, और इसमें ये भी बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा पंडित जी बताइएगा, ये पहले तो ये जो बना है एक सूत्र है प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, तो वो कहता है कि प्लुत अथवा प्रगृह के बाद स्वर आए, आच मान नहीं स्वर, स्वर आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रकृति भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रकृति भाव हो जाएगा, तो हरि एतो का हरि एतो ही है, लेकिन यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे आप ना, हरि प्लस एतो, तो ई को या होता है किस संधि में, किस संधि में इको यणच, यण संधि में इको क्या होता है, तो ये क्या हो गया फिर हरे तो, क्या हो गया हरे तो ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, समझ में आया पंडित जी, ये गलत नहीं है, बाकी ये तो नहीं बना है, ये भी नहीं बना, लेकिन ये सही भी है, ठीक है। बाकी यहाँ का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, अरे ये तो क्या हो गया प्रकृति भाव हो गया यहाँ पर, आगे इसमें देखिएगा, ये मनीषा शब्द ये पूछा है
कि मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। पंडित जी बिना देखे बताइए, वहाँ बोर्ड में मत देखिए, कौन सा ये वाला कौन सा वार्तिक है? कंदवादिशु पररूपम वाच्यम। आगे इसमें दिया है कि मम्मटानुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविधा। तो अप्रस्तुत अलंकार के कितने भेद हैं या कितने प्रकार का होता है? तो वो कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का होता है अप्रस्तुत का। हाँ, वैसे उत्प्रेक्षा को भी मानते हैं शायद पांच ही प्रकार का। तो अप्रस्तुत अलंकार कितने प्रकार का है? मम्मट के अकॉर्डिंग कितने प्रकार का माने हैं? पांच प्रकार का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 63 पर। यहाँ पे दिया है कि कारणे उक्ते सत्कार्याभाव कस्मिन अलंकारे भवति। मतलब संपूर्ण कारण के होने पर भी कार्य का क्या होता है? फल का अभाव होता है। मतलब संपूर्ण कारण है वहाँ पे, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। यानी यही कार्य को ही क्या कह लीजिए, कार्य का अभाव है या फल का अभाव। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? और इसी का ठीक विपरीत ये है। हाँ, तो इसका ठीक विपरीत कौन सा है? विभावना वाला। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्ति। बाकी ये वाले भी देख लेते हैं। ये तो इसका विपरीत कौन सा है? विभावना वाला। दृष्टांत वाले में देख लीजिएगा। दृष्टांत में यहाँ दिया है कि दृष्टांत पुनरेतेषाम सर्वेशाम प्रति बिंबनम। क्या है मतलब बिहार स्टेट के लिए कि एक लाइन जो उसकी परिभाषा है ना, अलंकार की खाली परिभाषा यहाँ देख के जाइएगा तब भी आ जाएगा। हो सकता है एकाध दो खाली उदाहरण दे के पूछे, किसी श्लोक का किसी ग्रंथ का दे करके पूछे, वरना वो परिभाषा ही दे करके पूछेगा कि कौन सा अलंकार इसमें होगा। फिर आगे इसके है, इसमें दिया है कि हाँ समासोक्ति वाला, तो इसमें इसका भी परिभाषा देख लीजिएगा। परोक्ति भेद कई श्लिष्ट समासोक्ति, यानी संक्षिप्त कथन। समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ये तो पढ़े हैं समास में भी ना। तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो समासोक्ति का क्या हो गया? संक्षिप्त कथन। परिभाषा आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, जो भी अलंकार दिया हुआ सिलेबस में। छंदः पादौ तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। और ज्योतिष को क्या कहा गया है? और छो याद है ना पंडित जी, वेदांग कितने हैं? वेद उपवेद। आगे देखिए, आगे दिया है कि सप्त सप्त सप्तभिश वर्ण ही यति कस्मिन् छंदसि भवति। मतलब सात सात वर्णों पे जो यति होती है वो किस छंद में होती है? किसमें? श्रद्धरा छंदसि। किसमें होती है? मतलब वो अभियान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वाति विधि उत्तम या हवीरिया च उत्तरी, तो उसी में इसका प्रयोग किया गया है। किसका, किस छंद का प्रयोग किया गया है? सरगधरा छंद। मतलब सात सात वर्णों पे क्या होती है? यति होती है। टोटल एक चरण में कितना हो गया? 21 वर्ण। एक चरण में कितना हो गया? 21। और चारों चरण में कितना हो जाएगा?
84 ठीक है। बाकी मंदा क्रांता का आप लोग जानते ही हैं, 4 7 कितना हो गया, 17, 2.5 हो गया 19, 12 और 7, और सिखरड़ी का हो गया यहाँ यमन रसई रुद्र छिन्ना था ना, 17 यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 पे होगा और 11 पे होगा। क्रम भी दे देता है भैया अंकित भैया, क्रम भी दे देता है। ये पूछेगा मंदा क्रांता छंद में क्रम ऐसे देगा 4 6 7, फिर इसी को घुमा देगा 6 4 7, ऐसे भी दे सकता है 7 6 4, ऐसे कर सकता है, पूछ सकता है, ऐसा मतलब संभावना है वो पूछ सकता है। लेकिन क्रम से देखेंगे ना तो 4 6 7 ऐसे होगा मंदा क्रांता में। आगे पूछा है अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार होता है। पंडित जी अध्यवसाय की सिद्धि होने पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, हैं? मतलब अध्यवसाय कहने का तात्पर्य है कि बढ़ा चढ़ा करके जिसका वर्णन हो, बहुत बढ़ा चढ़ के मतलब एकदम सीमा लांघना, जा कहने का मतलब है सीमा पार कर जाना, अतिशयोक्ति, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। आगे पूछा है ममटानुसारम अर्थांतरण न्यास अलंकार कतिविधा। तो मम्मट के अकॉर्डिंग अर्थांतर न्यास का कितने प्रकार का है अंकिता अग्नि, हाँ तो बात मत करिए बताते रहिए। मम्मट के अकॉर्डिंग पूछा है कि अर्थांतर न्यास अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। आगे दिया है वर्णिक छंदेश गणना भवति, तो वर्णिक छंद में क्या गिना जाता है, उधर बातें कर रही हैं आप लोग बताइए, उधर दोनों लोग बातें कर रही हैं बताइए, छंद कितने प्रकार के होते हैं, पहले कौन कौन सा, वैदिक और लौकिक, अभी यहीं बैठी हैं कहीं और खोई हैं, ऐसे बात करेंगे तो थोड़ी आएगा, कंसंट्रेशन जब नहीं होगा तो नहीं आएगा, बातचीत करिए करते रहिए, और फिर हम क्या पढ़ा दिए फिर पूछेंगे तो फिर थोड़ी वैसे होगा, ठीक है, बात मत करिए। इसमें दिया है कि द्वितीय पाद मात्रे अस्मिन 18 मात्रा भवंती, तो पूछ रहा है कि केवल द्वितीय पाद में यानी द्वितीय चरण में अस्मिन जिस भी छंद में, इसमें कह रहा है जिस भी छंद में 18 है, कितनी मात्राएं होती हैं, 18 हैं, वो कौन सा छंद है, ये पूछना चाह रहा है कि केवल उसके दूसरे पाद में 18 मात्रा होती है तो वो कौन सा छंद हो जाएगा, कौन सा, तो इसमें मान लीजिए एक चरण ये हो गया 2 3 और 4, तो इसके पहले और तीसरे में 12 12 हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 18, और चौथे में कितना हो जाएगा 15, तो टोटल जोड़ने पे कितना हो जाएगा आर्या में 57 मात्राएं। ये पूछता भी है, आया भी हुआ है, कई जगह आया हुआ है ये पूछता है, हाँ हो सकता है द्वितीय इसमें पूछा हो तो चौथे का पूछ ले, कितना है उसमें अंजू, चौथे का 15, हाँ ध्यान से बैठिए यहाँ बात मत करिएगा। आगे दिया है कि छंदसु चतुर्दश वर्णात्मकम छंद अस्ति, तो इसमें पूछ रहा है कि छंदों में जो है 14 वर्ण वाला कौन सा छंद है, क्या है 14 वर्ण वाला कौन सा छंद है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसकी परिभाषा क्या है, उक्ता वसंत तिलका
तब जा जगऊ गह। तो कितना हो गया इसमें, 14 वर्ड वाला, तो 14 चौके 56, टोटल कितने वर्ड हो गए, 56। इसमें कितना होता है 8 और 7 पर क्या होता है, यति होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15, 15 × 4 तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे 60। और सिखरड़ी का अभी आप पढ़े हैं तो 6 और = 17 और × 4 = टोटल कितने हो जाएंगे 68 वर्ड। और अथोद्धता में 11 11 होता है, तो 11 × 4 = ठीक है। अगला देखिएगा 71 नंबर पे, इसमें पूछा है कि मम ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, मेरे गांव के चारों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं। तो पूछा है कि हिंदी अनुवादः भविष्यति, क्या होगा, हिंदी अनुवादः भविष्यति। तो ऐसा वो पूछा, ऐसा हम बता ही दिए, तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा पंडित जी, मेरे गांव के चारों ओर क्या है, पेड़ है। आगे देखिएगा, आगे पूछा है कि समुचित पदेन सुक्तिम पूरयत, तो सदाभिमाने कधना ही, पंडित जी वहाँ से देख कर तो बता रहे, लेकिन किस ग्रंथ का है ये, नहीं बंद मत करिए, किसी ग्रंथ का है ये, बहुत फेमस है सुक्ति। तो सदा विमानय के कदना ही मानिना, कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, बाद में हमको बताइएगा, अभी हम बताएंगे नहीं, आप किताब मत बंद करिए, खोले रखिए। तो यहाँ देखिए अगला दिया है, काव्यालंकार कस्य कृते अस्ति, किसकी है, भामा की। नाट्यशास्त्र किसकी है, और ये वामन किसके हैं, रीति के। इनकी क्या है, औचित्य विचार चर्चा, इस संप्रदाय के क्या है, संस्थापक, औचित्य विचार चर्चा। तो एक लोग कोई भी बताइएगा, सभी लोग नहीं, इनकी रचना है ना नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र में मंकेश भैया बताएंगे कितने अध्याय हैं, कितने हैं, हम एक लोगों से पूछे हैं लेकिन बता दिए, इसी में सब, कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, काव्यालंकार कस्य कृते अस्ति, तो भामा। आगे देखिए, आगे पूछा है कि परमात्मा की इस महिमा को देखो, क्या पूछा है, उत्तर अभी कोई नहीं बताएगा, उत्तर देख करके तो बताए देंगे, अपने से करिएगा पंडित जी, परमात्मा की इस महिमा को देखो, संस्कृत भाषायाम वाक्यस्य शुद्धानुवादः भविष्यति। तो परमात्मा की इस महिमा को देखो, इसका आप क्या करेंगे, संस्कृत भाषा में अनुवाद करेंगे, तो इसमें से शुद्ध वाला कौन सा होगा, परमात्मा का रूप चलाइए, तो कैसे चलेगा, परमात्मा परमात्मा एक, जब एक वचन चलाएंगे तो परमात्मा परमात्मानम परमात्मना परमात्मने फिर परमात्मन परमात्मन परमात्मनि, तो परमात्मन कहाँ आया यहाँ, पहले क्या हो गया, पहले इसका हमको देखना है परमात्मा की, तो इसका देखना है कि इसका रूप आपको चलाना है कि षष्ठी के एक वचन में कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि षष्ठी का एक वचन किस में है, इसमें ये तो नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा हम लोग कह रहे हैं ना, ये पुल्लिंग है, पहले क्या है,
पुल्लिंग है ये, तो मूल शब्द है इसका परमात्मन। क्या है? परमात्मन है मूल शब्द। तो इसी का जब रूप आप चलाएंगे, जैसे राजन है ना, भगवान है नकारांत वाला, तो उसी तरह से परमात्मन किसमें है? पुल्लिंग में है। तो षष्ठी पंचमी दोनों के वचन में क्या बनता है? परमात्मन है, परमात्मन है। फिर उसके बाद आगे इसमें देखिए, ये तो मान लीजिए कि आप रूप चलाए तो आपको आ गया कि परमात्मन है, तो भाई यहाँ तीनों में नहीं है तो सही हो गया। फिर आगे देखिए, इमम यहाँ दिया हुआ है इस महिमा को, तो महिमा का भी रूप सेम उसी तरह का। भाई महिमन भी क्या है? ऐसे नकारांत है। तो उसका भी रूप जब चलाएंगे तो द्वितीया के एक वचन में क्या हो जाएगा? महिमानम। तो क्या हो जाएगा? और कहीं तो दिया नहीं है, महिमना, महिमनम, महिमानम है, यानी महिमा को। पर्ष मतलब देखो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। देखिए भैया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट कराइए, लेकिन समझे रहेंगे तो हो सकता। आप लोग बाद में 2 नंबर पर करके आप बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं समझ लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रुक रुक करके व्याख्या कर देते हैं। इसमें दिया है कि सर्व इति सर्वनामनः पंचमे एक वचन रूपम अस्ति। क्या हो जाएगा पंडित जी? क्या हो जाएगा? ओ, स्त्रीलिंग में होता तो क्या हो जाता? दीपू भैया बताएंगे ये किस लिंग में है, किस विभक्ति का, किस वचन में है? पुल्लिंग है। किसमें है? पुल्लिंग में है और चतुर्थी का एक वचन है। फिर आगे बताएंगे, आप बताइए इसी के आधार पे अगर हम सर्वस्य ही कर दें तो किस लिंग में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में चला जाएगा। चतुर्थी का एक वचन क्या बनता है? सर्वस्य ही स्त्रीलिंग में। तो ये दोनों आता रहता है तो कंफ्यूज भी कर देता है लोगों को। तो सर्वस्मय पुल्लिंग में होगा चतुर्थी का एक वचन, और सर्वस्य स्त्रीलिंग में होगा चतुर्थी का, और ये सर्वेश क्या है? सप्तमी का बहुवचन है। ये तो फिर बनेगा नहीं। तो इसमें पूछा था कि सर्व इति सर्वनामना पंचमे एक वचन रूपम अस्ति, तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग में? सर्वस्मात्, और यही स्त्रीलिंग में होता तो। लेकिन अगर इसे को हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो क्या होगा? पंडित जी खाली बताएंगे क्या होगा, यही होगा ना। तो नपुंसक लिंग में भी क्या होता है? खाली प्रथमा और द्वितीय तक, सर्वम सर्वे सर्वाणि, ऐसे वहाँ चलता है 2 बार। बाकी जो उसका तृतीया से लेकर सप्तमी तक रूप चलेगा वो पुल्लिंगवत चलता है। आगे पूछा है कि पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति, कि पंच महायज्ञ में कितने यज्ञ हैं? पंच महायज्ञ हैं, तो उसमें कौन सी गिना जाता है, इसमें किसकी गणना होती है 5 महायज्ञों में? तो कौन सा हो जाएगा? क्या? निर्यज्ञ। कारक का है भैया, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का। इसमें पूछा है कि उपान अध्यांग वशः इत्यत्र उपसर्गोपस्थितम निर्धारयत। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग इसमें है कि नहीं है, हैं तो कितने हैं, इस हिसाब से इसमें पूछा गया है। तो दिमाग लगाइएगा, उसे उत्तर दे करके तो पता नहीं। कई ठू हैं कहाँ उसमें? ये इसमें वस क्या है? एक धातु है। वस क्या है?
वह से क्या है? धातु है। इसके आगे क्या बचा है? उप है। उप है, अनु है, अधि है, आंग। तो ये इसका संज्ञा आ जाता, क्या बचता? आ ही, आ उपसर्ग। तो मतलब कितने उपसर्ग हो जाएंगे? चार। तो कितना हो गया? बहुवचनांत हो गया। तो इसीलिए यहाँ दिया है ना संति उपसर्गा, क्या दिया है? संति उपसर्गा। आगे पूछा है कि माघे संति त्रयो गुणा, गुणत्रयम वर्तते। तो इसका हाँ पहला वाला है सही हो जाएगा। तो उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। अर्थ गौरव के लिए अपद लालित के लिए। और ये जो पूछा है यहाँ कि माघे संति त्रयो गुणा, और माघ के लिए क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तो माघ के लिए क्या हो जाएगा? उपमा और अर्थ गौरव और पदलालित्य। आया समझ में? आगे देखिए, आगे पूछा है कि ते प्रजा न भविष्यति इति दिलीपम शशाप। ऐसा किसने, मतलब क्या होगा, संतान की जो है उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा कौन श्राप दिया था? तो दिलीप को किसने श्राप दिया था? क्या कौन सा सही हो जाएगा? फिर जब उनको संतान की प्राप्ति होनी थी तब किसकी सेवा किए थे? किसकी सेवा किए थे? नंदिनी की। वो किस ग्रंथ में है ये चर्चा? रघुवंश में है। कितने सर्ग हैं टोटल? उसी में दिलीप की गो सेवा वर्णित है। जो दिलीप गो सेवा, मान लीजिए ऐसे ही पूछ लिए कि दिलीप की गो सेवा किस अंक में, किस सर्ग में वर्णित है, तो द्वितीय सर्ग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुरभि। आगे पूछा है निम्नलिखितेषु व्यभिचारी भावो अस्ति। निम्नलिखितेषु क्या दिया है? व्यभिचारी भावो। कौन सा हो जाएगा व्यभिचारी भाव? ये वाला सही हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है? संचारी विभाव या स्थाई, क्या है पंडित जी? हाँ, किसका है ये सब? किसका है? जुगुप्सा विस्मय हास का हास्य आगे पूछा है कि किम गद्य काव्यम अस्ति, कौन सा गद्य काव्य है? तो कौन सा हो जाएगा पंडित जी? और ये तो कौन सा सही हो जाएगा? आप इसी में देख लीजिए, कादंबरी कथा क्या है? ये कथा है, तो हमने बोले दिया, लेकिन ये क्या है? क्या है? आख्यायिका हो गया। ये वाला कथा में भी आ जाता है और अथवा आख्यायिका में भी आ जाता है। अब इसमें देखिएगा कितने उच्छ्वास हैं इसमें, और इसमें भी आठ उच्छ्वास हैं। और ये जो कादंबरी कथा है कितने पार्ट में है? ठीक है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध वाला माना जाता है कि इनके लड़के जो है पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट,
उसकी रचना वही किए थे, कौन सा सुखनास उपदेश वाला माना जाता है ऐसा कि वो रचे थे। फिर आगे इसमें और क्या बताने लायक है, बाकी तो बता ही दिया हमने, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा कि एक लोग इसमें नहीं है, कौन से नहीं है, नहीं तो गद्य त्रयी हो जाती है ना, ये कादंबरी है और दस कुमार चरित, अगर यही सुबंधु का होता सुबंधु तो इनकी क्या है रचना, इसके नायक कौन है, कंदर्प के। तो कादंबरी और दस कुमार चरित और वासव दत्ता, ये तीनों क्या है, गद्य त्रयी है, क्या है, गद्य त्रयी। इसमें पूछा है कि आप परितोषाद विदुषाम ने साध मन्ने प्रयोग विज्ञानम इति कुत्र वर्तते, ऐसा सुक्ति कहाँ आई है या इसका चर्चा कहाँ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम के देखेंगे जो पहला अंक है, जो पहला अंक है उसका दूसरा श्लोक है, ये पहले का ही दूसरा श्लोक है, सूत्रधार वहाँ बोलता है नटीज से कि मतलब जब तक हमारे इस कौशल को विद्वान लोग हमारे इस कौशल से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम जो है नहीं मानेंगे कि भाई हमारा कौशल सही था, अच्छा था या ख़राब था। फिर आगे इसी में बोलते हैं क्योंकि इसमें एक लाइन और दिया हुआ है, इसके नीचे उसी में दिया बलवदप करके दिया हुआ है, तो उसमें बोलते हैं कि जो शिक्षित लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, तो बोलते हैं कि अपने उनको अपने विषय में भी थोड़ा सा डाउट होता है, संशय रहता है, जो शिक्षित लोग रहते हैं, जो विद्वान लोग रहते हैं उनको भी अपने आप में क्या होता है, अविश्वास रहता है, थोड़ा उनको भी डाउट रहता है। तो ये वहीं की चर्चा है, कौन बोलता है, सूत्रधार, किससे बोलता है, नटीज से। आगे पूछा है अधोलिखितेषु घोष महाप्राण कह, मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है अधोलिखितेषु इनमें से घोष और महाप्राण कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, ढा वाला। तो आपको देखना है कि घोष वर्ण कौन कौन सा होता है, घोष वर्ण कहाँ से होता है, तीन चार और पाँच, किसमें हो जाएंगे, घोष वाले में, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा घोष वर्ण आएंगे, और महाप्राण वाला कौन सा आता है, वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस सल प्रत्याहार, मतलब सा 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 चार वर्ण। तो ये जो इसी में आपको देखना है कि घोष वाला ये घोष में भी आ रहा है, ठीक है, चौथा यहाँ है घोष वाले में, लेकिन चौथा यहाँ भी है महाप्राण वाले में, तो वही ये पूछा है कि कौन इसमें से घोष भी है और महाप्राण भी है। पंडित जी वैसे ही पूछा है कि घोष भी है और महाप्राण भी है, तो वर्ग का मतलब पांचों वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा किसमें आ जाएगा, घोष वाले में, और फिर उसी पांचों वर्गों का क ख ये ऐसा करके जो पांच लिखते हैं हम लोग उसी में से दूसरा और चौथा जो वर्ण है, और सल प्रत्याहार मतलब स स स और हाँ ये जो चारों वर्ण है ये किसमें आ जाएंगे, सल में। तो दूसरा वर्ग का माने पांचों वर्गों का दूसरा और चौथा पूरा जो वर्ण है वो और चार ये, तो टोटल महाप्राण वर्ण कितने हो जाएंगे, चौदह, कितने हो जाते हैं, चौदह। और अल प्राण वाले कितने हो जाते हैं, अल्प्राण वाले, तो अल्प्राण वाले में कौन सा आता है, पहला तीसरा पांचवा, फिर उसके बाद यड़ वाला,
क्या आ जाता है? यावर आला। तो इसकी जब गणना करेंगे आप ना वर्गों में, वहाँ पहला तीसरा और पांचवा और ये चार, इसमें यावर आला तो कितना हो जाएगा? 19। तो अल्प प्राण कितने हो जाएंगे वर्ड? 19। महाप्राण कितने हो जाएंगे? 14। तो इसका उत्तर कौन सा सही था? ध। आगे देखिएगा, आगे पूछा है कि सत्संज्ञक प्रत्यय क, सत्संज्ञक प्रत्यय क। तो सत्संज्ञा सत्ष भी होती है और सानच की भी होती है, तो जुड़ते हैं दोनों किससे? धातु से। किससे जुड़ते हैं? धातु से जुड़ते हैं। तो ये सूत्र ही है सत्रिशांच दोनों। ये क्या है? इस सूत्र की क्या होती है? सत्संज्ञा होती है सत्र और सानच की। तो सत्र वाला कोई उदाहरण बताइए। पठन, गच्छन, जैसे उदाहरण मान लीजिए, ले लीजिए कि पठन बालक गच्छति, पठन बालक, पढ़ता हुआ बालक जाता है। तो ये जब बनेगा ना तो तीनों लिंगों में बनेगा, पठन पठन्ति और पठत, पठन पठन्ति और पठत। और सानच वाला जैसे हम कहते हैं कि बोलता हुआ शिक्षक, पढ़ाता हुआ शिक्षक लिखता है, तो क्या हो जाएगा कि भाषमाण है बोलते हैं उसको, भाषमाण शिक्षक लिखत, ठीक है, भाषमाणा शिक्षक लिखत। लेकिन इसका भी तीनों लिंगों में आप चलाएंगे ना, तो भाषमाणा फिर क्या हो जाएगा? भाषमाणम, ऐसे अपने में लिख लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा? भाषमाणा स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में भाषमाणा है। पंडित जी समझ में? तो सत्र और सानच की क्या संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। अगला वाला देखिए, आगे दिया है निम्नांकितेषु बहुभूतेः रचना नास्ति, निम्नलिखित में से कौन से बहुभूति की रचना नहीं है? तो सामवेदी भैया, बहुभूति की कौन सी रचना नहीं है? कौन सा? उदात्त रागम, डी वाला। बाकी ये क्या है? नाटक है। कितने अंक हैं? 7। ये क्या है? प्रकरण है। कितने अंक हैं? 10। 10 अंक हैं, 7 अंक इसमें हो गए और इसमें भी 7 अंक, ठीक है। प्रकरण नहीं, नाटक है। ऐसे सोएंगे ऐसे आप लोग तो फिर कैसे यहाँ बता पाएंगे? निद्रा में आगे देखिए, यहाँ पूछा है दुष्यंतस्य राजधानी आसीत, दुष्यंत की राजधानी थी। दुष्यंत की राजधानी क्या थी? क्या? और ये इसकी चर्चा कहाँ आई है? महाभारत में। ये कहाँ पे? राम जी की है नगरी, और विदिशा ये शूद्रक की है। किसकी? शूद्रक की राजधानी है। कहाँ पे? मृच्छकटिकम में। कहाँ पे चर्चा आई है पंडित जी? तो शूद्रक की राजधानी क्या है? विदिशा। ओ सॉरी, हाँ शूद्रक उसके लेखक हैं, ये कादंबरी में कहा है, हम लेखक में चले गए। शूद्रक लेखक हैं किसके? मृच्छकटिकम के। और ये हाँ, ये विदिशा राजधानी शूद्रक की है, इसकी चर्चा कहाँ है? कादंबरी में। कादंबरी मतलब फर्स्ट पार्ट वाले में। और शुकनास उपदेश वाले में कहाँ की चर्चा है? उज्जैनी की। कहाँ की?
वहाँ तारापीठ की राजधानी क्या है? उज्जैनी। और कादम्बरी में आगे पूछा है, अधोलिखितेषु सप्तांकात्मकम नाटकम नास्ति। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, जिसमें सात अंक नहीं है, ऐसा कौन सा नाटक नहीं है। मतलब कौन सा, इसमें बताइए कि जिसमें सात अंक नहीं है, ऐसा कौन सा नाटक है। तो कौन सा हो जाएगा पंडित जी? इसमें छवे अंक है। कितने अंक हैं? बाकी अभियान शाकुंतलम में छः सात है, मुद्रा राक्षसम में सात है, और उत्तर रामचरितम में इसका सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा है? चौथा। और इसका छाया अंक होता है, और वो कौन सा है? और ये छाया अंक विधाय, तो महत्वपूर्ण होता है ये। भैया सही कह रहे हैं आप। आगे देखिए, आगे पूछा है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति इत्यत्र किम वृत्तम, इत्यत्र किम वृत्तम। तो इसमें कौन सा छंद है? पंडित जी पढ़ के सुनाइए एक बार। हाँ पकड़ लिए हैं। कौन सा छंद हो जाएगा? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। कितनी मात्राएं होती है इसमें? वर्ड कितने होते हैं इसमें? कितने वर्ड हैं इसमें? अभी बताया ना पीछे, बोले ना चौदह चौके छप्पन। आगे पूछा है कि किम सत्यम अस्ति, कौन सा सही है। तो आपको बताना है कि यास के क्या है? निरुक्तकार हैं। कात्यायन क्या है? वार्तिककार हैं। और भास क्या है? नाटककार हैं। तो क्या हो जाएगा सही? कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, यानी सब सही है। आगे इसमें दिया है कि दस रूप के प्रकाशाः सन्ति, दस रूपक में प्रकाश हैं। तो दस रूपक में कितने प्रकाश हैं? कितने हैं? चार। और विश्वनाथ का शायद दर्पण जो है किसमें विभक्त है? वो परिच्छेद में। किसमें? परिच्छेद में। कितने हैं? दस। और ध्वन्यालोक कितने आनन हैं? ध्वन्यालोक में कितने आनन हैं? चार। बाकी इसी तरह से आप देख लीजिएगा, उनका मम्मट का प्रकाश आनंद दूसरे का उद्योत उद्योत है उनका ध्वन्यालोक का। हाँ हाँ आगे देखिए, ये काव्य प्रकाश का हम पूछ रहे थे। काव्य प्रकाश किस में विभक्त है? कितने उल्लास हैं टोटल? दस उल्लास हैं। ठीक है, तो ध्वन्यालोक में क्या है? चार। ठीक है, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंद वर्धन की। आगे देखिएगा, आगे दिया है इसमें, आगे पहले यहाँ पे दिया पद्य। क्या दिया है? पद्य दिया है। तो इसमें दिया है कि निर्देश दिया है, अधोलिखितानि पद्यानि प्रपठ्य, मैंने पढ़ करके अधोलिखित पद्यों को पढ़ करके प्रश्नानाम विकल्प विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम लिखत। तो इस पद्य को पढ़ करके उचित जो इसका उत्तर होगा उसे को, इसमें प्रश्न आगे दिया हुआ उसका उत्तर इसी में ढूंढ के लिखना है आपको।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि अज्ञानेना वृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगात स्वर्गम न गच्छति, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु, लोभो व्याधिरनन्तकः, सर्वभूतहितः साधु, रसार्दूनिर्दयः स्मृतः, धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो, नास्तिको मूर्ख उच्यते, कामः संसारहेतुश्च, हत्तापो मत्सरः स्मृतः। तो अब इसी के आधार पे आपको क्या करना है, प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रश्नों का क्या है उत्तर ढूंढना है आपको। तो इसी में पूछा है कि कुतः मित्राणि त्यजति, कुतः मित्राणि त्यजति। तो इसी में दिया है ना कि लोभात त्यजति मित्राणि, तो किससे, लोभी मित्र को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। फिर आगे इसमें दिया है, हाँ यहाँ पूछा है कि व्याधिर अनंतकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः वर्तते, तो इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। उसी में आया हुआ है, यहाँ दिया है ना कि सत्तुर लोभो व्याधिर अनंतकः, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, व्याधि अनंतकः। तो इस रा को क्या हो गया है, विसर्ग हो गया है। आगे, हाँ आगे देखिएगा, यहाँ पूछा है कि कह अनंतकह व्याधि, तो कौन अनंतक व्याधि है, कौन है ऐसा, कौन सा है पंडित जी। तो यहाँ दिया है ना कि क्रोधा सुदुर्जयः शत्रु, कौन है ये वाला सही हो जाएगा, क्रोधा सुदुर्जयः। एक मिनट, क्रोध सुदुर्जया शत्रु लोभो व्याधि अनंत कह, क्या हो जाएगा, लोभो व्याधि अनंत कह, कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। इसमें दिया है ना लोभो व्याधि अनंत कह। अब आ गया यहाँ पे, यहाँ पे दिया कह सुदुर्जया शत्रु, तो कौन सा हो जाएगा, क्रोध सुदुर्जया शत्रु। अगला है कह पुमान पंडितः ज्ञेयः, तो कौन पुरुष जो है पंडित है, ऐसा कौन जानकार है, कौन से हो जाएगा इनमें से, कोई नहीं। तो यहाँ पे दिया ही नहीं, इसकी चर्चा ही नहीं है उसमें, तो उपर्युक्तेषु किंचिनापि नास्ति। आगे क्या है, गद्य यहाँ पे दिया हुआ है, आगे दिया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अधोलिखित गद्य को पढ़ करके प्रश्नानाम विकल्पात्मको त्रिभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इस गद्य को पढ़ करके इसके विकल्प के जो इसमें प्रश्न दिए हैं उसी को छाट करके लिखना है उसका उत्तर। तो दिया है सरल सा है, इसमें देखिएगा, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति, ग्राम जीवनम स्व क्या दिया पंडित, सुव्यवस्थितम भवति, ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति, गांव में लगभग सभी लोग क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और गांव जीवन में सभी सब कुछ क्या होती है, व्यवस्था होती है, ठीक होती है। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति, वन और नगर में क्या होता है जीवन, नहीं होता है यहाँ, वैसा जीवन नहीं हाँ इसी तरह गांव की तरह नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामा वन नगरयोः मध्ये सन्ति, वस्तुतः यहाँ बोल रहे हैं कि गांव अधिकतर कहाँ है, वन और नगर के मध्य में। तो ग्रामीणा जना प्रायेण कृषि वला भवन्ति, मतलब गांव के लोग लगभग, प्रायेण का क्या अर्थ है, लगभग क्या होते हैं, किसान होते हैं। तो ते च प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, तो मतलब वो प्रातः काल से लेके शाम पर्यंत तक, यावत माने पर्यंत तक, तो क्षेत्रेषु माने खेतों में क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर आगे देखिए, फिर आगे यहाँ दिया है कि क्षेत्राणि परितः वारिड़ा पूर्णा कुल्या, मतलब
खेत के चारों ओर जल के द्वारा क्या है, नहर वगैरह वहाँ पे होता है, वहाँ कुल्ले मतलब भरा रहता है, जो नहर रहती है गांव के चारों ओर, तो जल से क्या है पूर्ण रहता है, भरा रहता है। कृषका क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, जो किसान होते हो खेतों में क्या करते हैं, हल के द्वारा जोतते हैं, कर्षन्ति मन जोतना। फिर दिया है कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति, तो वो लोग क्या करते हैं उसको खेत को नहर के जल से खींचते हैं, तत्र बीजानि वपन्ति च, और बीज को क्या करते हैं बोते हैं, बीजारोपण करते हैं वहाँ खेत में। अब इसी के आधार पे क्या करना है आपको, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले ही दिया है कि ग्राम में जीवनम कथम भवति, तो वहाँ क्या दिया था, सुव्यवस्थितम, क्या दिया था, सुव्यवस्थितम। फिर अगला है इसी में कि ग्रामीणा जना प्राण कीर्दश भवन्ति, तो कृषि वाला भवन्ति और सर्वे स्वस्था भी भवन्ति, ऐसा तो उसमें भी तो दिया था, ग्रामे प्राण सर्वे स्वस्था भवन्ति, क्या होते हैं सर्वे स्वस्था भी भवन्ति और कृषि वाला भी भवन्ति, है ना। तो लेकिन इसमें कृषि वाला भी है, सर्वे स्वस्था भी है, तो इसमें जो है एक और ऑप्शन इसमें बढ़ा देना चाहिए था, है ना, कि एक से क्या हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि भाई उसमें गद्य में दिया हुआ है ना कि ग्रामे प्राण सर्वे स्वस्था भवन्ति, फिर यहाँ भी दिया है कि ग्रामीण जना प्राण कृषि वाला भवन्ति, ठीक है ना। वैसे अगर ऑप्शन यहाँ पे पांचवा रहता है एक से अधिक तो क्या सही हो जाता, एकस्मात अधिक, तो इसमें क्या मानेंगे हम, तो यहाँ बोल दिया ना, तो क्या कर देंगे, कृषि वाला ही मानेंगे यहाँ पर, आगे देखिए। आगे पूछा है के प्रातः कालात शायम यावत क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, तो कौन लोग सुबह से लेकर के शाम तक खेतों में काम करते हैं, तो कौन काम करते हैं, ग्रामीणा, क्या ग्रामीणा, या कृषिवला हो जाता तो क्या होता, कृषिवला विषय हो जाता, लेकिन इसमें क्या दिया है, ग्रामीणा। आगे पूछा है कि कृषिवला इत्यस्य पर्याय पदम, तो कृषि वाला इससे क्या अर्थ निकल रहा है, तो इसका क्या होगा, कृषका मतलब किसान लोग। आगे पूछा है कि एतस्य गद्य खंडस्य समुचितम शीर्षकम किम, तो इसका समुचित मतलब अच्छा शीर्षक क्या होगा, क्या हो जाएगा, ग्राम जीवनम, क्या हो जाएगा, ग्राम जीवन। ये आज के प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हो रही है, ये था मॉडल पेपर तीसरा बिहार शतकम पुस्तक। इन पुस्तकों को आप अगर चाहते हैं कि आप पढ़ें, बिहार गंगा, लक्ष्य बिहार और बिहार शतकम, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप चाहे जब संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से, वैसे खास करके सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सब सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, तो चाहें तो मंगा सकते हैं। तो इसके आगे की प्रश्नोत्तरी हम लोग अगले दिन लेकर के आएंगे, जो चौथा मॉडल पेपर होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।